कन्नू निधि आज क्या कर रहे हो रे बच्चों? बैठे हैं, बैठो। आपका भाई? अरे परसों आई रे, यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं कहीं। तेरे चाचा से बात करने के लिए यहाँ आई, वो भी परेशान हो रहे होंगे। फोन नहीं करा कर कितने कुमर लग गए हैं मेरे तो, क्या बताऊँ। कुमर ही निकाले में चुभ रहे हैं। कैसी हो गई? वही तो, बहुत ही चुभ रहे हैं यार ये कुमर। अब आदत छोड़ गई ना हमारी, हमको देख के तुमको लगता होगा ना ये बाहर रह रहे हैं करके। कुछ नहीं है रे, हमको नहीं लगता ऐसे, नहीं लगता ना। तो तुम भाग्य हो, तुम लोग यहाँ की जिंदगी जी रहे हो, बाहर शहर में कुछ नहीं रखा है। तो चाची आप ही रह लेती यहाँ, बाहर क्यों गई फिर? तुम्हारे चाचा की नौकरी ऐसी थी, फौज वालों को जाना ही पड़ता है बेटा। तेरा आदमी एसएम वाला हुआ तब तू रह रही है यहाँ। अब तेरा आदमी भी फौज वाला होता तो ले जाता साथ में। चाचा रह नहीं पाते थे ना तेरे मेरे बगैर। आपको रिटायरमेंट हो गया, अब आ जाओ फिर। देखूंगी अब, बच्चों की शादी आधी होती है फिर आती हूँ ना यहाँ। वो कब होती है तुम्हारे बच्चों की शादी? तो बुढ़ी है, अब टाइम पे करो। अभी कहा 26 की तो है बेटा, वो अभी कहा हुई है बुढ़ी। चाची हमारी ललू तो बस 24 ही साल की, उसकी तो शादी तय होगी, एंगेजमेंट भी होगी। बल पहाड़ों में कर देते हैं बेटा, शहरों का मामला अलग चल रहा है ना। अब बच्चे खाने को आ जा रहे हैं मेरे को, पूजा को खा दो ना शादी के लिए। यशा जा रही है बॉय मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। तू ही कहना रे, कहना मेरा तो बच्चा भी हो गया पूजा, तू कब करेगी शादी करके, कहना कोई है नहीं है शकर की भी पूछना। चाची मैंने पूछा था उससे, वो कह रही थी ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मैं नहीं जानती और कुछ। तो भरोसा हुआ रे परवरिश से मेरे को ना, ऐसे इधर उधर तो नहीं जाएगी घर। चाची आजकल नहीं बताते हैं बच्चे, लास्ट में बताएंगे, अभी तो चुप बैठ रखे होंगे। क्या पता भाग जाए लास्ट में, फिर हो गया ना करगी तुम्हारी। चुप तो क्या बोल रही है तू, ऐसा ही तुम फालतू बातें ज्यादा नहीं कर रहे हो। और छोड़ो चाची, खाना वाना हो गया तुम्हारा? हाँ अभी अभी डिनर करके आई। डिनर थोड़ी होता है, लंच होता है। हाँ रात का खाना था तो डिनर ही नहीं हुआ क्या? हमको नहीं आती क्या अंग्रेजी बेटा, हम शहर में रह रहे हैं। चाची तो समय तो अभी तो खाया हो, डिनर रात का खाना खाया तो डिनर हो जाएगा। वो तो रात का खाना था, डिनर नहीं हुआ। वो दिन का खाना होता तो लंच होता। खाना तो दिन में खाया ना, लंच हुआ हो। चाची वो डुबके कैसे बने थे गोहत के? अरे बहुत अच्छे हो रहे थे, हमने चूल्हे में बनाया आज तो सारा खाना है, सब मैंने करा। लोग सोचते हैं मैं बाहर अलवानी रह रही हूँ करके भूल गई होंगी, सब याद है रे मेरे को। बहुत ही काम कर दिया रे आज मैंने। वो बगल वाली चाची तो चाची कह रही थी आपने नहीं बनाया करके, आप खाली वो डाड़ू घुमाने आ गई थी लास्ट में खाना बनाने के बाद। मेरी चाची ने तेरे को ये भी बता दिया कि मैंने गोद में खाली हाथ चलाया, तभी तो नहीं आ रही हूँ मैं घर। चाची बनती भी नहीं है ना आपकी, आपकी दादी जेठानी से? बेटा मेरी तो बनती है नहीं बनती है वो तो बाद में पता चलेगा, तुम दोनों की माओ की बनती है आपस में। हाँ बढ़िया बनती है हमारे घर में तो, बढ़िया है। परिवार में रह रहे हैं क्या, ऐसी रह रहे होंगे? आपकी तरह थोड़ी भाग के चले गए, जो आप यहाँ रह रही हो वहाँ रह रही है। अपनी माँ से कहना होली के दिन क्या हुआ था, कहना बस इतना कह देना। कहना बिमला चाची ने कहा था होली के दिन क्या हुआ था, सब तेरी माँ की भी पोल खुल जाएगी। मेरे घर में मत जागो बेटा, मेरी अपनी देवरानी जिठानी से बनती नहीं बनती अगर, तभी तो तेरे बाप ने जल्दी ब्याह दिया तेरे को। ऐसी तू आग लगाने वाली, मेरी पूजा नहीं है बेटा ऐसी, तभी खड़ा होगा तेरे पति ने भी बच्चे जल्दी। दिन के लिए आए हो क्या, कर रहे हो ऐसे बैर रखे हमसे? अच्छे से रहो हमारे साथ, क्या इसका घर उसका घर, छोड़ो ना सबके घर। मैं आई नहीं थी तुमसे ढंग से बात करने के लिए, तुमको क्या हो रही तो है? देवरानी जिठानी से बन नहीं रही, अरे तो हमको क्या पता, वो पूरे जगह में जगह फैला रही है कि उनने सिर्फ डाड़ू हिलाया मैंने काम किया, हमको हमको को नहीं पता है। हमको क्या पता था, हम तो बाहर के थे, वही आके हमसे बोलते हैं उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया। मम्मी ने कहा हाँ क्या कह रही थी, मैंने हाथ ही हाथ लगाया कहा उनने, कहती कुछ काम करती है नहीं, चार दिन के लिए आती है मेहमान जैसे चले जाती है उड़ के, ऐसा बोला। हमको क्या पता, हम तुम्हारे घर थोड़ी आए थे जब तुम डाड़ू हिला रही थी या भले बना रही थी। जी आप अच्छा करते हो पता है, सही है जितना दूर रहो इन लोगों से, बहुत ही गंदे लोग हैं आके। अब तुमसे क्या छुपाना, ये ऐसे करते हैं ना मेरे लिए। अरे गंवार है ना ये, आठ फेल है, मिला ही नहीं ठहरा खाने को। फिर आठ फेल है भी उसकी मम्मी, कम से कम मैंने 10 तो पास किया है नहीं किया है बता, 50 जगह रह गया हूँ मैं तुम्हारे ताऊजी के साथ। ऐसे वैसा थोड़ा है, आर्मी वाले हम, आर्मी वाले हम नहीं करते ऐसे छोटी छोटी कटोरियों के चक्कर में। अभी तो रहो प्रेम से रहो, बर्तन खटखटाने से तो बढ़िया ही है ना। बढ़िया है, बढ़िया है आपका यार। नियत है जाने के बाद तो पीठ पीछे कितना कुछ बोलते हैं तुम्हारे लिए, तुमको क्या पता। मजी आया करो, मैं तो कह रही हूँ साल में एक बार भी मत आया करो। मैं इतना सोच रही हूँ देख इनके बारे में, ये ऐसा कहते हैं मेरे लिए ना, नहीं है ये लायक के। सबके लिए मिठाई लाई रही मैं अलग अलग, घर के लिए सबके लिए मिठाई भी लाई थी, आधा दी की बर्फी। जो तुम्हारे तो बहुत ही पैसे लगे होंगे। बहुत है, सबके लिए 5-5 किलो आम भी लाई हूँ। इसके पापा से इतना झगड़ा करा मैंने, कहा रे नहीं नहीं ससुराल वाले हैं लाना चाहिए करके, ये मेरे बारे में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर बच्चों के लिए वो कहते हैं मेरे पूजा पंकज के लिए, वो तो कहेंगे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे तो घर में काम कर रहे हैं तो कहेंगे। अच्छी क्या क्या बताए, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कहते, चाचा के लिए नहीं कहते, बच्चों के लिए सबके लिए कहते। अब किसी को कहना बताए, मैंने ना अभी अलवानी में दाढ़ी दिखाई दे रही, वहाँ किसी ने कहा तेरी किसी अपनी नहीं तेरे लिए कुछ कर रखा है, तब तेरे बच्चों की शादी हो रही है, लंबे बाल है बल उसके गोरी है, वहाँ देवरानी तो है मेरी, फिर उसकी मम्मी नहीं है गोरी बिल्कुल लंबे बाल वाली। चाची ये जाते रहते हैं पुछारी नहीं होते जो, हाँ जाते रहते हैं सुना हमने, कभी कुछ करने कभी कुछ करने। ठीक है सही बोला उसने, शोज में इतना सोच रही हूँ इनके लिए, मेरे लिए पुछारियों की बात जा रही है। बेटा तुम किसी को कहना मत,
इस बार आ रही हूँ मैं कान पकड़ के, देखी ये तुम्हारी आगे कान पकड़ी हुई है, सांस का बखत है, मैं आऊंगी नहीं, तैरी नहीं रहूंगी यार। मैं सोच रही हूँ पेरे पोटी बेच दूँ क्या करके, इसके पापा को पटाती हूँ यार, खेत बेच देते हैं। बेच रहे हो तो हम ले लेते हैं, नहीं तो। हाँ ये सही कहा यार तूने, तुम्हारे पापा लेने को तैयार तैयार है, हम काम करेंगे इसमें। अरे हमारे पापा प्रॉपर्टी डीलर है। चुप जा तू, हाँ दे देना हमको, दे देना बस। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, एक काम करती हूँ, दाखिल खारिज तुमको दे जाऊंगी। हाँ हाँ, हमको नहीं पता क्या होता है, आप कर लेना बात, मैं बताती हूँ क्या होता है। दाखिल खारिज का ऐसा होता है कि एक घर में एक बेकू बहू होती है, उसको आग लगानी ठहरी ऐसी, तो क्या होता है वो बातों में आ जाती है। ये नीचे खेत देख रहे हो ये, हाँ तो ये तुम्हारे पीर बड़बाजू का तो था ये, मैंने मेरी जिठानी ने आग लगा के तुम्हारे यहाँ से ये खेत लिया, अब तुम वही चाल मेरे साथ चल रहे हो, लाटो गधो है, तुम कल की पैदाइश मेरे को बना रही हो रे बेकू। हम कोई चाल नहीं चल रहे, जैसा कहा हमने कह दिया, तुम क्या सभी जिठानी को सीधी समझ, तुम्हारी माँ को कहना, तुम्हारी माँ का तुम्हारे खानदान का पड़ जाए, खा ले तुम खाओगे तुम्हें।